أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students in the name of Allah who is the most beneficent the most merciful the lord of mankind and the only honor of resurrection khol aankh zameen dekh falak dekh fiza dekh mashriq se nikalte hue suraj ko zara dekh so students we have started series of grammar in all competitive exams and today in this lecture we will talk about parts of speech let me use spotlight okay parts of speech are eight in numbers and specifically and briefly parts of speech mean collection of sentences yani guftugu ke hisse and in urdu parts of speech mean mukhtalif qisam ke ilfaz jo bolne aur likhne mein istemal hote hain ठीक है यानी एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो स्पीकिंग में और राइटिंग में उनका यूज़ होता है उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इन इंग्लिश द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज First one is noun, second one is pronoun, third one is verb, adjective, preposition, जिसको preposition बोलते हैं conjunction and interjection. ठीक है they are eight in number and we will discuss, we will talk about them one by one. So let's start from noun. Noun means name of persons, place, animal, thing or an idea. Persons mean कोई भी person जैसे आर्यन है जैसे आज़म है जैसे जुल्फ़कार है जैसे हाशम है कोई भी name of place mean डी जी खान लाहौर फैसलाबाद whatever name of animal dog cat cow जो भी है ये examples मैंने ऊपर लिखी हुई है thing जैसे bed and idea जैसे committee ठीक है ये एक idea है example में देखें the sun was shining on the sea इसमें मैंने ये bold किया हुआ है sun noun है sea noun है ठीक है उसके बाद है सेकंड एग्जांपल हाशिम इज गोइंग टू गो ऑन हॉलीडे टू चाइना चाइना एंड हाशिम इस सेंटेंस के अंदर नाउन है स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो जिस स्टेप को हम लोग समझ रहे हों उसी स्टेप पे आप लोगों ने फोकस करना है इधर उधर फोकस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सो ग्रामर के अंदर ये रूल है कि आप जिस स्टेप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अगर आप नाउन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर नाउन पर ही फोकस रखें अगर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन के ऊपर फोकस रखें और उसके यूज पर फोकस रखें इस तरीके से चीज़ों को मेमोराइज करना और उन्हें रिकॉल करना और उन्हें यू कैन से दैट के डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है सो द लास्ट एग्जाम्पल इज आर्यन इज अ नाइस बॉय अब इसमें बॉय और आर्यन जो है वो नाउन है सो देर आर फ्यू काइंड्स ऑफ नाउन फर्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन कंक्रीट मीन सॉलिड जिसको टच किया जा सकता है हाथ लगाया जा सकता है सच एज मैन कार अब इसको आप हाथ लगा सकते हैं छू सकते हैं कॉमन नाउन मीन कॉमन इन पीपल थिंग आइडियाज कुछ भी समथिंग जो है वो नाउन उसके बाद है प्रॉपर प्रॉपर मीन पर्टिकुलर इन पीपल लाइक जैसे हॉली बुक है या कोई नेम है या कोई थिंग है जो कि पर्टिकुलर है खास है स्पेसिफिक है उसके बाद है काउंटेबल काउंटेबल में ईजी है नाम से पता चल रहा है कैन बी काउंटेड यानी ऐसी चीज जिसको काउंट किया जा सकता है आप ये देखें कि मैं बात करती हूँ यहाँ पे शुगर की तो शुगर को आप काउंट तो नहीं कर सकते आप मैयर कर सकते हैं ठीक है सो बुक है इसको काउंट किया जा सकता है बिल्डिंग्स है इसको काउंट किया जा सकता है देन है कलेक्टिव नाउन मीन ग्रुप ऑफ थिंग्स जैसे ज्यूरी है जैसे टीम है जैसे कुछ भी लाइक उसके बाद है अनकाउंटेबल लाइक कैन बी काउंटेड यानी ऐसी चीजें जिनको काउंट सॉरी कैन नॉट बी काउंटेड लाइक ऐसी चीजें जिनको काउंट नहीं किया जा सकता जैसे शुगर है सॉल्ट है इस तरीके से देन नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन अनटचेबल अनकाउंटेबल लाइक इसको फील किया जा सकता है इसको टच नहीं किया जा सकता लाइक विजडम है ट्रूथ है लव है अगर कोई इंसान आपको ये कहता है कि आई लव यू इट मीन्स के आपको फील करना है वो दिखता नहीं है नजर नहीं आता मैयर नहीं कर सकते उसको काउंट नहीं कर सकते ठीक है विजडम है ऑनेस्टी है तो आप जो है वो फील कर सकते हैं टच नहीं कर सकते एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड नाउन मीन कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स सच एज बस स्टॉप या क्लासरूम जिसको
जब पंक्चुएशन की हमारी क्लास हुई थी तो उस वक्त बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सेंटर में हाइफन लगता है, तो दो वर्ड्स को मिला के हाइफन के जरिए दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे शॉप कीपर, बस स्टॉप, क्लास रूम, इस तरीके से। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। वैसे एग्जामिनर ये इस तरीके से तो नहीं पूछ सकता कि आप जो है वो कंपाउंड नाउन सेपरेट करो या कॉमन या प्रॉपर या कलेक्टिव, लेकिन आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि जब कोई फिलिंग दी ब्लैंक्स या कुछ इस तरह से आए और आपको उसमें से जैसे सैनोनम एंटोनम पेपर में आ जाते हैं तो उसमें से आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो फिर आपके लिए मुश्किल ना हो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन जो नाउन की जगह पर यूज हो, ठीक है। अब रेपिटेशन एक सेंटेंस के अंदर नाउन की बार बार नहीं कर सकते, आर्यन एक नाइस बॉय है, आर्यन ऑनेस्ट है, आर्यन क्रिकेट खेलता है, आर्यन ये करता है। अब बार बार अब जब आर्यन आर्यन यूज करेंगे तो ये एक लाइक गुड एक्सप्रेशन नहीं होगा और एक पैरा जो है वो खूबसूरत नहीं बनेगा। सो उसकी जगह पे, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है टू अवॉइड रेपिटेशन। जैसे ये आई यू दे वी देम दोज आर आवर ही शी दिस दैट, इस तरह। अब इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको केसेस का बताया था, कहाँ बताया था, एक्टिव पैसिव में मैंने आपको बताया था कि इनको केसेस बोलते हैं, नोमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये देखें कि आई माई मी, आई इसमें क्या है, नोमिनेटिव केस है, अब ये इसको प्रोनाउन एक प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है, पोजेसिव केस माय प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी इवन प्रोनाउन की तौर पर यूज होता है। इसी तरह से जब मैंने आपको एक्टिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करवाए थे बच्चे, तो आपको याद हो मैंने पर्संस का बताया था, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड दे ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउंस क्या है, वहां पे जाके थर्ड पर्सन होंगे। तो यही जो सारी चीजें हैं ये क्या है, प्रोनाउन है, जो कहाँ यूज होती है, नाउन की जगह पर, ठीक है। आर्यन इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। तो इसमें आर्यन क्या है, नाउन है, लेकिन नेक्स्ट आफ्टर फुल स्टॉप जब नेक्स्ट बात की आर्यन से रिलेटेड, तो आर्यन को यूज नहीं किया बल्कि हमने किसको यूज किया बच्चे, ही को यूज किया, ठीक है। तो ही क्या है, इसमें प्रोनाउन है, ओके। अब है एडजेक्टिव। तो बच्चे एडजेक्टिव क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। अब आपने यहाँ पे नाउन भी समझ लिया, आपने प्रोनाउन को भी समझ लिया, आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सम एडिशन इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं रेड, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, फैटी, ठीक है। तो अब क्या सेंटेंस में ये है कि द बॉय हैज वाइट शूज। अब वाइट इसमें क्या है बच्चे, वाइट इसमें है एडजेक्टिव, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ और इसका फाउंट भी इंक्रीज कर देती हूँ, ओके। तो इसमें द बॉयज हैज वाइट शूज, लाइक अब इसमें क्या है, वाइट कैश शूज। अब किसके बारे में बात कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, शूज, शूज तो पता चल रहा है, शूज नाउन है, पता चल गया कि बॉय जो है वो भी नाउन है, उसने क्या रखे हुए हैं, शूज, वो भी नाउन है। अब कौन से शूज रखे हुए हैं, वाइट शूज रखे हुए हैं। तो जो इंफॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन के बारे में वर्ड दे रहा हो, वो वर्ड क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास रूम। अब बॉयज क्या है, वो नाउन है, क्लास रूम क्या है, नाउन है। तो जो क्लास रूम के अंदर बॉयज हैं वो कितने हैं, 20। तो 20 इसमें क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो बच्चे आप लोगों ने जेन में रखना है, जब भी कहीं पर एडजेक्टिव का जिक्र आए तो आपने बच्चे जेन में रखना है कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में सम एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि नाउन या तो प्यारा है, नाउन फैटी है, नाउन जो है वो टॉल है, नाउन जो है वो स्लो है, नाउन नाउन को क्या है, नाउन ब्लैक है, नाउन वाइट है, वो क्या है, नाउन जो है वो ऊंचा है, नाउन नीचे है, क्या है, वट एवर, जो कुछ भी नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। सो उसके बाद है बच्चे एडवर्ब।
ठीक है, तो एड वर्ब का है कि इंफॉर्मेशन अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखिए कि एडजेक्टिव के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन एडवर्ब वो है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, तो वो एडवर्ब होगा। अब जैसे आपको एडवर्ब का एक सेंटेंस आ गया, उसमें नहीं पता कि इसमें एडवर्ब कौन सा है, बट आप ये देखिए कि वो नाउन या नाउन प्रोनाउन तो ढूंढ लेंगे ना, मतलब आप प्रोनाउन आपने ढूंढ लिया, देखिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्म तो नहीं है, ओके, देन नाउन तलाश करें, नाउन की आपको अंडरस्टैंडिंग है, नाउन आपने ढूंढ लिया, देन आप ये देखें बच्चे कि ये नाउन और प्रोनाउन के अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है देन इट इज एडवर्ब, और अगर ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है देन दिस वर्ड इज एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है स्लोली, फास्ट, यस्टरडे, ऑलवेज। अब कुछ एक जनरल सा रूल है, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस पर मैंने सुना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे हैं तो वो भी मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा वर्ड जिसके एंड पर एल वाई आ जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। दो ऐसा ही है कि एल वाई आ जाए तो वो एडजेक्टिव होता है, सॉरी एडवर्ब होता है, तो बच्चे ये भी है, लेकिन आपने इस डेफिनेशन के साथ जेन में नहीं रखना। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पर जो है एल वाई नहीं आ रहा होता बट वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन जेन रखनी है कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा जिस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे वो चीज कौन सी हो सकती है, वो वर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब इटसेल्फ हो सकता है, ठीक है, तो वो एडवर्ब होता है। जैसे लास्ट नाइट शी स्लेप्ट रियली वेल, अब इसमें जो है वो शी क्या है, प्रोनाउन है, स्लेप्ट क्या है जो है वो इसमें वर्ब है, एंड रियली वेल, अब वर्ब है तो वर्ब के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रही है, लास्ट नाइट यानी सोए सोई कब थी, ये सोने के बारे में वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लास्ट नाइट यानी लास्ट नाइट सोई थी, ठीक है, तो ये सोने के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसमें जो लास्ट नाइट है वो एडवर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी रन्स फास्ट, तो अब शी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ भागने के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी रन क्या, फास्ट, तेज, तो यहाँ भागने के बारे में इंफॉर्मेशन, और भागना क्या है, वो वर्ब है, तो ये चीज आप लोगों ने बच्चे जेन में रखनी है। सो लेट्स गो टू द वर्ब। वर्ब का मतलब है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, इसके बगैर कोई सेंटेंस जो है बच्चे वो कंप्लीट नहीं होता है। इट शोज सम एक्शन, एक्सपीरियंस और स्टेट, ठीक है, जैसे प्ले, रन, वॉक, स्पीक, इसको आइडेंटिफाई करना और समझना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें इसमें जो प्लेज है वो क्या है, वो क्योंकि ही है तो इसके साथ एस का इजाफा हो गया तो प्लेज हो गया, तो प्ले क्या है, खेलना, खेलना मीन वर्ब, तो इसको आइडेंटिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। देन है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं किनको, वर्ड्स को, फ्रेजिस को, आइडियाज को एंड सेंटेंसेस को इन सेंटेंस, जैसे बट है, एंड है, बिकॉज है, स्टिल है, येट है, तो इनको क्या बोलते हैं, कंजक्शन, यानी ये दो सेंटेंसेस को या दो आइडियाज को या दो फ्रेजेस को एक सेंटेंस के अंदर इकट्ठा कर देती है, उनका मीनिंग जो है वो इकट्ठा ले आती है, उनको सिमिलर कर देती है, तो उसको बोलते हैं कंजक्शन। जैसे आशा सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन बिकॉज शी बर्नड मिड नाइट ऑयल। अब इसमें जो बिकॉज है, मैंने इसको बोल्ड नहीं किया हुआ, मैं इसको भी कर देती हूँ, ओके, तो बिकॉज जो है वो इसमें कनेक्टर है, ठीक है। तो अब बच्चे मैंने आज के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को बता दिया, एंड देन कंजक्शन के बारे में। अब रह गए हैं जो दो चीज़ें, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को मैंने यहाँ इस वजह से बच्चे ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने ये जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करवाए हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाए हैं तो वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इंटरजेक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन जो है वो उसकी कितनी काइंड्स होती हैं, उसके एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं, उसकी जो है वो ग्रामर के अंदर कैसे यूज होती है, सॉरी उसमें प्रेपोजिशन के अंदर एज ए कैसे यूज होती है, और उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से करते हैं। तो अगर आपने इंटरजेक्शन को दोबारा समझना है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वहां से आप समझ सकते हो। रही बात प्रेपोजिशन की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे और इसको थॉरली अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स,
मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो फिर समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो राह पर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो तुझको दरिया तो फिर समंदर तलाश कर। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड।